के कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री उसमें कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे दिन रात गालियां देते हैं, सुबह शाम गालियां देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पीएम मोदी के इस भाषण का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तंज कस रहे हैं, जमकर फजीहत भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी को इस तरह की बातें क्या कहनी चाहिए थी। इसी के साथ पीएम मोदी ने केसीआर की सरकार पर भी तंज कसा है, कई तरह के आरोप भी उन पर लगाए हैं। पूरा क्या है मामला आपको बताएंगे। सबसे पहले पीएम मोदी का वीडियो आपको सुनाएंगे, उससे पहले कुछ ट्वीट्स देखिए। निगार परवीन ने पीएम मोदी के उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री को सुनिए, कह रहे हैं कुछ लोग सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। लगता है प्रधानमंत्री ने आज किसी आईटी अकाउंट को पढ़ लिया है जिन्हें वो फॉलो करते हैं। वैसे ये पुरानी चुनावी स्क्रिप्ट है, गाली देना, जान को खतरा बताना इत्यादि। यानी कि किस तरीके से निगार परवीन जो हैं पीएम मोदी पर तंज कस रही है कि किस तरीके से ये इस तरह की जो स्क्रिप्ट है वो पुरानी हो गई है कि अपनी जान को खतरा बताना और ये गाली देना दिलवाना, इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो पुरानी हो गई है। इसी के साथ निगार परवीन का दूसरा ट्वीट आप देखिए, इसमें लिखा है, मैं इसलिए नहीं थकता क्योंकि मैं दिन में 2-3 किलो गाली खाता हूँ। पीएम मोदी बताइए, लोग मशरूम खाने का झूठा आरोप लगाते हैं। निगार परवीन ने यह ट्वीट किया है। इसी के साथ रणविजय सिंह का ट्वीट आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर रणविजय सिंह लिखते हैं, 2018 में पीएम मोदी एक किलो गाली खाते थे, 2022 में पीएम मोदी 3 किलो गाली खाते हैं, ये उनके ऊर्जा का स्रोत है पीएम मोदी के मुताबिक। यानी कि यहाँ पर जो है पीएम मोदी का 2018 में जो उन्होंने एक भाषण दिया था उसका भी वायरल, वो भी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से 2018 में उन्होंने कहा था कि मैं किस तरीके से 1 किलो गाली खाता हूँ और अब 2022 में वो कह रहे हैं कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूँ। इसी के साथ सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए जिसमें पीएम मोदी किस तरीके से कह रहे हैं कि लोग जो हैं उनके पास कोई काम नहीं है, देने के लिए कुछ बचा नहीं है, सुबह शाम जो है वो मोदी को गालियां देते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए आप पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो सुना आपने पीएम मोदी किस तरीके से जो है वायरल वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि किस तरीके से वो जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी उन पर तंज कस रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि सुबह शाम लोगों के पास कोई काम नहीं है, देने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो सुबह शाम जो है गालियां देते हैं। अब इसी के साथ निगार परवीन का एक ट्वीट और देखिए जिसमें दो उन्होंने स्क्रीनशॉट जो है शेयर किए हैं। एक स्क्रीनशॉट है ANI का 2018 का और दूसरा है 2022 का। 2018 में भी पीएम मोदी इसी तरह
का जो है भाषण देते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से जो है मुझे गालियां दी जाती हैं, मैं एक दो किलो गाली जो है वो खाता हूं इसलिए थकता नहीं हूं, और अब 2022 में भी वो इसी तरह का भाषण दे रहे हैं, तो इसको लेकर भी लोग तंज कस रहे हैं। निगार परवीन का ट्वीट देखिए, दो तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं, दो स्क्रीनशॉट यहां पर शेयर किए हैं, लिखा है 2018 में भी पीएम मोदी ने कहा था एक दो किलो गाली खाता हूं इसलिए थकता नहीं हूं, 2022 में भी बोल रहे हैं कि दो किलो गाली खाता हूं इसलिए नहीं थकता हूं। शायद तभी श्वेता अंजना बार बार ये सवाल पूछा करती थी। अब आप ये एनआई का ट्वीट देखिए, इसमें किस तरीके से 2018 का ये ट्वीट है, इसमें लिखा है कि किस तरीके से पीएम मोदी के स्टैमिना के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दो रोज जो है एक दो किलो गाली खाता हूं और वही मेरा जो है स्टैमिना है। इसी के साथ 2022 का एनडीटीवी का ट्वीट देखिए, इसमें किस तरीके से पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं जो है 2 से 3 किलो जो है रोज गाली खाता हूं और इसलिए जो है मैं थकता नहीं हूं। इस तरह की बातें जो है पीएम मोदी ने 2018 में भी की थी और अब 2022 में भी की थी। वीडियो आपने सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी जो है लगातार ये कह रहे हैं कि लोग जो है उनके पास कुछ है नहीं और देने के लिए और इसलिए वो जो है सुबह शाम गालियां देते हैं। अब इस पूरी खबर, अब इस पूरे मामले को लेकर खबरों में क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान लाइव की आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबर में लिखा है मुझे हर दिन 2 से 3 किलो गालियां मिलती हैं, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पर बरसे पीएम मोदी। यानी कि तेलंगाना में पीएम मोदी जो है एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान पीएम मोदी ने इस तरह का भाषण दिया। क्या कुछ खबरों में लिखा है आगे दिखाती हूं आपको। खबर में लिखा है तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा, पीएम ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया राज्य की सरकार पर कि राज्य को सरकार ऐसी चाहिए जो लोगों को पहले रखे ना कि परिवार को। पीएम ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद थकते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं थकता नहीं हूं क्योंकि मैं हर दिन 2-3 किलो गालियां खाता हूं। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये गालियां मेरे अंदर पोषण में बदल जाती हैं। इस तरह का बयान जो है पीएम मोदी ने दिया है। आगे वो कहते हैं मोदी को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना के लोगों को गाली देंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर जानबूझकर केंद्र की विकास योजनाओं को रोकने के लिए अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। पीएम ने केसीआर के अंधविश्वासों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कहां रहना है, दफ्तर कहां होगा, मंत्री के रूप में किसे चुनना है आदि अंधविश्वास के आधार पर लिए जाते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय जो है इसमें बड़ी बाधा बनती है। आपने वीडियो में सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास के चलते, अंधविश्वास के जरिए जो है मुझे गालियां देते हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है बेगमपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा यह दुख की बात है कि जो लोग तेलंगाना के नाम पर फले फूले आगे बढ़े, सत्ता में आए, उन्होंने ही राज्य को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना की सरकार और नेता हमेशा राज्य की क्षमता और उसके लोगों की प्रतिभा के साथ अन्याय करते हैं। उन्होंने आगे कहा तेलंगाना के लोगों ने जिस राजनीतिक पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी पार्टी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जब अंधेरा बढ़ता है उस स्थिति में कमल खिलना शुरू हो जाता है। भोर से ठीक पहले तेलंगाना में कमल खिलता देखा जा सकता है। पीएम ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा मुनुगोड़े के लोगों ने जिस तरह भाजपा पर अपना विश्वास दिखाया है वो अभूतपूर्व है। मैंने देखा है कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी तेलंगाना सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे पता चलता है कि आप पर लोगों का आशीर्वाद है और आपके काम का फल मिल रहा है। पीएम ये भी दावा करते हैं कि विपक्षी दल गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच का डर लग रहा है। पीएम मोदी ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन भुगतान पर जोर देने से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है क्योंकि उन लेन देन को ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें जो है पीएम मोदी ने अपने तेलंगाना में जो जनता के बीच उन्होंने संबोधन किया उसमें कहीं और किस तरीके से जो है गालियों को लेकर किस तरीके का भाषण उन्होंने दिया, किस तरीके से जो बातें उन्होंने कही वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी क्योंकि 2018 में भी पीएम मोदी इसी तरह का भाषण देते हुए आए थे। किस तरीके से हमने आपको ट्वीट्स दिखाए, तमाम वो स्क्रीनशॉट दिखाए, और उसी के साथ 2022 में भी पीएम मोदी अब भी यही कह रहे हैं कि मैं जो हूं 2-3 किलो गाली खाता हूं और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जो है मुझे मेहनत करने की क्षमता मिलती है। अब आप पीएम मोदी के इस गाली वाले वीडियो को लेकर, इस गाली वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।